हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फेज और फेज डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो अभी तक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही ये वीडियो देखना। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो हम लोगों ने ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में तो जान लिया था, जब हम लोग ने वेव को क्या किया था, कैटेगराइज किया था उस टाइम पे। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है हम लोग का, ऐसा वेव जिसमें मीडियम का पार्टिकल कैसा वाइब्रेट करता हो, परपेंडिकुलर किसके, टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, है ना, और पैरेलल करेगा तो क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यही करेंगे हम लोग, इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि इन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे, तो हम लोग को दोनों चीज एक साथ समझ में आएगा और फास्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो याद करने के लिए भी ईजी पड़ता है इससे। अब देखो, तो पहला पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये तो हम लोगों को पता है यार, इसका डेफिनेशन ही यही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब जिसको कुछ नहीं आता है ना एग्जाम में, जिसने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो समझा है वो याद रखेगा ना, तो अगर उसको बोल दिया कि चार पॉइंट बता दो, तो वो बता देगा इजीली इससे। अब कैसे, देखो, तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो गया, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स पैरेलल टू डी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब सेकेंड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। देखो सेकेंड वाला अब क्या बोलता है, व्हेन ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ, अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। तो जब हम लोग ने वेव बनाया था, वेव का एक डायग्राम देखा था, देखो ऐसा वाला है ना, ऐसा वाला वेव का डायग्राम देखा था। तो अब जब भी मेरा ट्रांसवर्स वेव ऐसा अगर मीडियम से जाता है ना, तो मीडियम में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिसमें हम लोग का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और जो नेगेटिव वाला डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या बोल देते, क्रस्ट बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाले पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रफ बोलते हैं। तो वही होता है, जब कभी भी ट्रांसवर्स वेव मीडियम से पास होगा, तो वो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक क्रस्ट में और एक ट्रफ में। तो या तो वेव पास होगा तो सिंपल सी बात है, एक क्या हो जाएगा, ट्रफ वाला पार्ट, ऐसा वाला पार्ट, और एक क्या हो जाएगा, ऐसा वाला पार्ट। तो इसको हम लोग क्रस्ट वाला बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ वाला पार्ट बोलते हैं, क्लियर है। और अब इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल में, लॉन्जिट्यूडनल में क्रस्ट और ट्रफ नहीं होता, क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेरिफ्रेक्शन। क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेरिफ्रेक्शन। अब इसका मतलब क्या है वो देखो, कंप्रेशन और रेरिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग का जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना, उसमें वाइब्रेशन कैसा होता है बोलो, पैरेलल होता है ना टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो हम लोग का कुछ ऐसा होता है वो वाइब्रेशन, किस पार्ट में हम लोग बोलेंगे, हम लोग का पार्टिकल का क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, और किस पार्ट में डेंसिटी कम होता है, फिर वापस से ज़्यादा हो जाता है, फिर डेंसिटी कम होता है। तो इस तरीके से जो जिस जिस जो पार्ट हम लोग का डेंस वाला रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और ऐसा पार्ट जहाँ पर डेंसिटी कम हो, कम डेंसर हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेरिफ्रेक्शन। तो जब कभी भी लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर किसी मीडियम से पास होता है, तो वो मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक को कंप्रेशन कर देता है, एक को रेरिफ्रेक्शन कर देता है। मतलब एक में डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जिसमें डेंसिटी कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेरिफ्रेक्शन बोलते हैं, क्लियर है। तो पहला दो प्रॉपर्टी एकदम कैरेक्टरिस्टिक एकदम बेसिक था, है ना। अब थर्ड पे आता है, देखो थर्ड वाला भी बेसिक ही है। क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव। तो इसको देखो सिंपल समझना है, तो कैसे समझेंगे, मेरा वेव कुछ ऐसा होता है, तो मैं बोलूंगा अगर मेरा ट्रफ ये है, तो मैं एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। लास्ट टाइम पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो कितना होगा, ये 2 पाई होगा। तो हम लोग को ये पता है कि एक वेव
एक वेवलेंथ में डिस्टेंस कवर करता है तो कितना एंगल बनाता है, कितना फेज बनाता है, बोलो कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। तो हम लोग ये बोल सकते कि मेरा एक वेवलेंथ मतलब कितना फेज डिफरेंस होएगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का फेज डिफरेंस। तो हम लोग बोलेंगे जब कभी भी हम लोग का पार्टिकल क्या करेगा, ट्रफ और अल्टरनेट क्रस्ट, तो ट्रफ के बीच में क्या रहता है, जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो हम लोग का ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और इन दो पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सेम तरीके से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन रहेगा तो इन लोगों के बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडल के केस में वेवलेंथ बोलते हैं। इधर क्या होता है क्रस्ट और ट्रफ, इधर क्या होता है हम लोग का कंप्रेशन एंड रेरिफ्रेक्शन। तो अब आओ फोर्थ वाले पॉइंट पे, देखो फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वेव जा रहा है तो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ही जा रहा है ना, तो यही दो चीज की वजह से हम लोग का क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि वेव का अल्टीमेट मोटो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में हम लोग का क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और इस केस में लॉन्जिट्यूडल में क्या हो जाएगा, क्रस्ट और ट्रफ के बजाय क्या हो जाएगा, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड बट नॉट फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है ना ये सिर्फ सॉलिड से ही पास हो सकता है, लिक्विड और गैस से पास नहीं हो सकता। बट इट कैन पास थ्रू सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से पास हो सकता है। जैसे हम लोग का वेव स्ट्रक्चर दिखता है ना पानी के ऊपर, वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव तो है। तो हम लोग बोलेंगे इट कैन ट्रेवल थ्रू दी सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर है। अब लॉन्जिट्यूडल में क्या होता है, ये तीनों से पास हो सकता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस मीडियम से भी। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय। जो वेलोसिटी होता है ट्रांसवर्स वेव का, उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो रहता है हम लोग का v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। अब इधर t क्या हम लोग का टेंशन इन द स्ट्रिंग, और m क्या हम लोग का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की कितना मास है, कितने यूनिट लेंथ में जो हम लोग का वायर है स्ट्रेच स्ट्रिंग उसमें। क्लियर है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। एंड फॉर लॉन्जिट्यूडल वेव के लिए वेलोसिटी कैसे देते हैं हम लोग, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ e बाय रो। अब e क्या हम लोग का इस केस में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिस मीडियम में हम लोग का लॉन्जिट्यूडल वेव ट्रेवल करेगा उस मीडियम का ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है। और रो क्या हम लोग का डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम से पास हो रहा है उस मीडियम का डेंसिटी। चलो अब ये जो हम लोग ने अभी जो प्रॉपर्टी लिखा है ना, इतना चार प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सबसे मेन रहता है, मतलब बाकी का पहले का चार प्रॉपर्टी भी मेन है वैसा नहीं, बट वो चार तो सबको आता ही है, लेकिन ये चार ऐसा है जो एग्जामिनर ढूंढता है कि अगर ये बताएंगे तो मजा आ जाएगा, वैसा वाला होता है। ठीक है। तो अब देखो सातवां प्रॉपर्टी क्या हम लोग का, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जब कभी भी हम लोग का ट्रांसवर्स वेव मीडियम से ट्रैवल करता है ना, तो उसमें प्रेशर और डेंसिटी में कभी भी चेंज नहीं आता है, किस केस में, ट्रांसवर्स के। बट लॉन्जिट्यूडल के केस में प्रेशर और डेंसिटी हर पॉइंट पे चेंज होते रहता है, किस केस में, लॉन्जिट्यूडल में। तो हम लोग बोलेंगे प्रेशर और डेंसिटी इज चेंजिंग इन लॉन्जिट्यूडल वेव। क्लियर है। और लास्ट प्रॉपर्टी देखो, लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो इसका मतलब समझो, अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग लाइट के हम लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल के वाइब्रेशन को किसी पर्टिकुलर मीडिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना, उसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। अब नहीं समझा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते देखो, अब मैं बोलता हूँ मेरा पार्टिकल देखो इस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसे पूरे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। देखो
ऐसा भी कर रहा है, 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 ये डायरेक्शन में भी कर रहा है, तो ऐसे पूरे प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अब मैं बोलता हूँ मैंने एक स्लिट लगा दिया, एक ऐसा स्लिट लगा दिया जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल को भेज रहा हूँ। तो अब क्या करेगा ना, ये जो स्लिट है ये सिर्फ इसको ये वाले वाइब्रेशन को ही जाने देगा, जो ये वाला वाइब्रेशन है इसको ही जाने देगा, बाकी जो ये वाला वाइब्रेशन है देखो ऐसा ऐसा आएगा और इधर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ये इस वाले को पास नहीं होने देगा। तो हम लोग ने क्या किया, जो वाइब्रेशन हर जगह पे था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस टाइप के फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज नथिंग बट रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज। अब क्यों ट्रांसवर्स वेव ही क्यों होता है पोलराइज? सिंपल सी बात है, पार्टिकल कैसा वाइब्रेट करता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, किसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो अगर मैं बोलूँ मेरा वेव इधर ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल समझो ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो ये इसमें से पास हो सकता है, इसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये वाले को पास करने देगा क्या? नहीं। तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इस वाले को पास होने दे रहे, इसको नहीं। तो इसी ये वाइब्रेशन की वजह से, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन की वजह से ही इसको हम लोग पोलराइज कर सकते, लेकिन लॉन्जिट्यूडल को नहीं कर सकते। बोलो कैसे? अब लॉन्जिट्यूडल में क्या है, अगर मेरा वेव इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो वाइब्रेशन भी तो यहीं पर है, वाइब्रेशन भी यहीं पर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सीधा सीधा निकल जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट कैन नॉट बी पोलराइज। तो अब इसमें मीनिंग ही नहीं बनता कि वाइब्रेशन इधर है, वाइब्रेशन इधर ही रहेगा। तो तुम चाहे ऐसा लगाओ तुम्हारा स्लिट, या ऐसा लगाओ, कैसा भी लगाओ, ये क्या करेगा, इसमें से पास होके ही रहेगा। तो हम लोग किसी भी केस में इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते वाइब्रेशन को। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव वी कैनॉट पोलराइज दी वेव, क्लियर है? सो ये था हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो आई होप आप सभी को ये प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक समझे होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।